तो दोस्तों फाइनली अभी हम शिवानी जी के घर पे थे और आज हम आ गए। आज मंडे है और 2 दिन हुए हैं उनको भी निकले हुए शो से, तो यहाँ गोरेलाल भैया मिल गए हमें। नमस्कार भैया। नमस्कार भैया। तो कैसा लग रहा, मतलब शिवा, हम लोग तो सोच रहे थे कभी जियो सिनेमा देखे नहीं, कभी बिग बॉस देखे नहीं, और जब देखे, देखना शुरू किए तो सोचे नहीं थे कि वो ऐसे बाहर हो जाएंगे। अरे हम क्या, आप क्या, बहुत ऐसी हमारी जनता जो जानती नहीं बिग बॉस क्या था, देखना क्या जियो सिनेमा था। पब्लिक ने डाउनलोड किया, रिचार्ज किया, देखना शुरू किया, और जब शिवानी घर से बेघर हो गई तो लोगों ने तुरंत डिलीट कर दिए। हाली मतलब एक इतना अच्छा खेल नहीं थी, वो हम लोगों को भरोसा हो गया था कि ये तो जीत के आना है, क्योंकि उनकी तरफ से ऐसा इतना अच्छा खेला जा रहा था उसमें। नहीं, वो अंदर वालों को नहीं पसंद था इसलिए अंदर से निकली। पब्लिक का बहुत अच्छा सपोर्ट मिला, पब्लिक ने बहुत वोट किया। जब पब्लिक का वोट से उनको बाहर निकलना था, तब तक वो पूरा सपोर्ट मिला। जब अंदर की वोटिंग हुई तो उन्हें अंदर वालों ने धोखा अंदर वालों ने धोखा दे दिया, दोस्ती में दगा मिला, क्योंकि कहीं ना कहीं जब शुरुआत में ही वो गई थी तो लोग उनकी भाषा से बहुत वो कर रहे थे, बोलती कैसे है ये, कैसे इरिटेट हो रहे थे। भाषा की बात करें तो आपने भी देखा होगा कि कोई उनके चैनल पे कोई ऐसी भाषा नहीं है जो गलत हो, वो तो यहाँ वैसे ही बोलती है। रवि किशन तक को बोल दिया था कि मतलब आप देखिए हमारे ब्लॉग जाके, हम तो हमेशा ऐसे बोलते हैं, इसी भाषा से हम यहाँ तक आए हैं उठ के। रवि किशन सर की अब क्या बात करें, उन्हें नहीं अच्छी लगी हुई भाषा, लेकिन उनके गाना जो रिमोट से लहंगा उठाते वो उन्हें पसंद होंगे। और एक लड़की से ये कहने गए कि उड़ता हुआ तीर तुम लेती हो, ये भाषा तो ये भाषा है उनकी टेलीविजन पे, तो थोड़ा सा इतने बड़े शो पे आप ये एक लड़की से कह रहे हो कि उड़ता हुआ तीर ले रही हो तुम, एक लड़की पे ये चीज कह रहे हो। उन्हें नहीं पता, रवि किशन सर हमारे देश के सांसद है इतने बड़े, उन्हें ये नहीं पता है कि किसी लड़की इस तरीके से नहीं बोलना चाहिए। इतनी फिल्मों में काम किया, हर भाषाओं में लगभग काम किया, 600-700 फिल्मों में करीब काम किया है, पर एक लड़की के लिए सर तरीके के शब्द बोलना थोड़ा सा वहाँ पे उचित नहीं थे, और सोशल मीडिया पे बोल रहे थे तो उनको भी ध्यान देना चाहिए था। बाकी अच्छा खेली और कहीं ना कहीं लोगों का और जुड़ाव हो गया उनसे, लगाव हो गया एक प्रकार से कि यहाँ से निकल के गई। अच्छा हम एक बात कहना चाहते, जैसे आप परेशान हुए हैं तो अभी आप कोई मत आइएगा, जब शिवानी आ जाए तो वो वीडियो डाल देंगी, तब आइएगा। किस दिन मिलना है, मतलब उनको वो वीडियो में बता दिया जाएगा, बता देंगे, जानकारी उन्हीं के चैनल पर आ जाएगी। आप उनके वीडियो को देखिएगा चैनल पे, क्योंकि आप इतनी दूर कहाँ से आए, आप लखीमपुर खीरी, लखीमपुर कल से निकले थे, इतनी दूर से आए तो लखनऊ भाई। बाकी अगर फाइनल पहुंच जाती तो फिर अलग ही हिसाब होता, फिर तो एक अलग ही जश्न वाला माहौल होता है, एक अलग ही चीज रहती भाई, वो तो उसका सबका वैसे भी आपने देखा हो, घर सूना है, माता जी की तबीयत नहीं थी, वो चली गई वहाँ, तो सारा अलग ही माहौल हो गया। मतलब एक कहते हैं ना, एक जहाँ भरोसा था कि टॉप 5 में बस पहुंचना ही था, आखिरी हफ्ता बचा था, पूरा भरोसा था सबको कि अपने ही लोग इस तरीके से वहां पे दगा दे गए, तो सोचा नहीं जा सकता था। तो एक दिन डिसाइड हो जाएगा भैया कि किस दिन वो मिलेंगे। हमें चाह रहे यही हो जाए कि सब लोग आने नहीं, नहीं, हो जाए, हो जाएगा, परेशान मत होइएगा, जिसको भी आना है एक दिन डिसाइड हो जाएगा, उनका वीडियो देख के आइएगा, इनके चैनल को सर्च करके आइएगा किस दिन वो मिलना चाहेंगे। तो ठीक है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपके की जानकारी दी, और हम लोग जिस तरीके से यहाँ पे आए दौड़े और किसी से मुलाकात नहीं हो पाई, भैया जी मिल गए, तो यहाँ पे माता जी भी तबीयत खराब है, और जिस तरीके से थोड़ा सा वो भी है कि शो में सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो जीत के आएंगे, फिर वो जीत के नहीं आए, तो गोरेलाल भैया जो यहाँ पे मुलाकात हुई शिवानी जी के मामा जी, तो बाकी आप लोगों ने घर देखा है हमारे वीडियो में, तो शिवानी कुमारी को जो है काफी सपोर्ट मिला, और चलो वो नहीं जीत गए लेकिन हम लोगों के दिलों पे तो वो राज कर ही रही हैं, हम लोग उनको देख के फॉलो कर ही रहे हैं, उनके करकमलों पे चल रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया स्टार को हम लोग देखो, सोशल मीडिया वाले हैं तो सोशल मीडिया वालों को देख के सीखेंगे, जो हमसे बड़ा है तो वो कहीं ना कहीं हमसे उस अहदे में बड़ी है सोशल मीडिया के थ्रू, जिन्होंने इतना अच्छा बड़ा मुकाम पाया, मिलियन ऑफ सब्सक्राइबर फॉलोवर्स, 5.5 मिलियन उनके इंस्टाग्राम पे हो गए, 2.5 मिलियन यूट्यूब पर हो गए, तो अभी उनको देख के हम लोग सीख रहे हैं, और धीरे धीरे करके हम लोग भी आगे बढ़ रहे हैं, ब्लॉग बना रहे हैं, और वो डेली ब्लॉग बनाती है, तो हम लोग ट्रेवल कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, जुल रहे हैं, आप लोगों की सबकी लाइफ के बारे में बता रहे हैं। तो शिवानी कुमार जी तो ऐसे बड़े बड़े अभी प्रोजेक्ट और भी करते रहेंगे, उनका जीवन तो अभी शुरुआत है, आने वाले समय में वो बहुत बड़े बड़े शो में शायद नज़र हम लोगों को आ सकती हैं, क्योंकि हर सबका मतलब एक ना एक जो है सोच रहती है, मुकाम रहता है कि यहाँ तक हमें जाना है, तो कहीं ना कहीं उनको भी हिम्मत मिली होगी कि एक बार हम टीवी के शो तक आए हैं तो कुछ आगे भी बढ़ा कर, जैसे मनीषा रानी जीती नहीं थी बिग बॉस सीजन 2, लेकिन उनको इतनी वो मिल गई कि वो कई बॉलीवुड के शो पे नजर आई, एक डांसिंग शो भी शायद उन्होंने जीता, और उसके बाद कई एल्बम्स में नजर आई हैं, और वो बॉलीवुड में कार्यरत हैं, कई इंटरव्यूज वो करती हैं, तो इसी तरीके से ऐसे ही है, इस तरीके से मनीषा रानी जीती नहीं लेकिन उनको इतना पब्लिक का प्यार मिला,
और उसी तरीके से शिवानी जी भी हैं, भले ही ना वो जीती लेकिन उनको पब्लिक का प्यार बहुत मिला है, तो आने वाले प्रोजेक्ट में वो नजर आते रहेंगे आप लोगों को, बड़े से बड़े प्रोजेक्ट में, और अभी तो शुरुआत ही है, और कहेंगे कि अभी तो उनको बहुत ऊपर जाना है। और अपने यूपी से हैं तो ये भी हमें गर्व महसूस होता है भले कि यहाँ से एक जमीनी स्तर से उठ के, क्योंकि उनको हम लोगों ने वहाँ से देखा टिकटॉक से, है ना, और उनको जो ब्लॉग का एक जो ट्रेंड था वो यहाँ पे उन्होंने लाना शुरू कर दिया, जो डेली ब्लॉगिंग का था, तो वो एक कहीं ना कहीं हम लोगों में उत्साह आया, वहाँ से उठे, आज 1.5 लाख जो फैमिली अपनी भी बनी है वो भी कहीं ना कहीं ऐसे देख देख के सीखे हम लोग। तो पहली बार भी जब मिले तो आप लोगों ने बोला था जब चैनल मोनेटाइज हुआ कि आप जाइए, 10,000 सब्सक्राइबर थे मेरे, मैं आया था, मिली थी तो वो वीडियो काफ़ी वायरल हुआ था, फिर दोबारा मिलने आए थे सिर्फ हम, तो अच्छा लगता है कि थोड़ा सा आने पे संकोच हो रहा था कि हम जा रहे हैं वो हैं नहीं, तो घर वालों को कैसे फेस किया जाएगा, लोग थोड़ा दुखी तो हैं, तो उस तरीके से जब वो आएंगे तो मिलेंगे और उसी हंसी के साथ खुशी के साथ मिलेंगे, क्योंकि जो होना था हो गया, बाकी पब्लिक का प्यार उनके साथ हमेशा रहेगा, फिर वो तो वहाँ का अलग ही सिस्टम रहता बिग बॉस का। तो चलिए, हो सकता है वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों को काफ़ी पसंद आई होगी, तो अभी मत आइए, शिवानी जी के वीडियो में आप लोग को बता दिया जाएगा कि कब आना है, कैसे आना है, फिर आप लोग आ सकते हो, प्रॉपर एक मीटअप जैसा रहेगा यहाँ पे। चलिए नमस्कार, मिलते हैं ऐसे नए वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।